नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा प्राइवेट नर्सिंग होम व अस्पताल संचालकों की लापरवाही पर लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार दूसरे दिन एक और हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जाँच अभी जारी है। लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें, गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी जांच में मिली बड़ी लापरवाही के बाद पटना में संचालित लक्ष्मी हॉस्पिटल का लाइसेंस सीएमएचओ एनएन मिश्रा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बताया गया है कि गत 3 अगस्त को अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अस्पताल संचालक डॉक्टर रविकांत मिश्रा की मनमानी जारी रही और नियमों को ताक पर रखते हुए अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। शुक्रवार को निरीक्षण करने टीम पहुंची तो स्थिति पहले से भी बदतर मिली, जिसके बाद रिपोर्ट सीएमएचओ को दी गई। सीएमएचओ ने लाइसेंस अस्पताल का निरस्त कर दिया है। हम आपको बता दें कि एक दिन पूर्व रतहरा में संचालित होने वाले अभिज्योति हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया गया था। निरीक्षण के दौरान लक्ष्मी हॉस्पिटल व नर्सिंग होम में शासन के नियम प्रावधान के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाई गई। नर्सिंग होम में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिसमें ना ही प्रोविजनल और ना ही टेम्परेरी मिला। संस्था में इलेक्ट्रिकल ऑडिट कम्प्लाइंस नहीं था। बायोमेडिकल वेस्ट का पंजीयन निरस्त पाया गया है। बता दें कि एक माह पूर्व भी ऐसी कमियां मिली थी, लेकिन इनको पूरा नहीं किया जा सका, जिसके बाद लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया है। वही निर्देश दिए गए हैं कि एक माह के अंदर वह पूरी व्यवस्थाएं बनाकर अस्पताल में भर्ती मरीजों की छुट्टी कर दें एवं नए मरीज भर्ती ना करें। यदि मरीज भर्ती करने की जानकारी मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नर्सिंग होम का संचालन बंद कर सूचित करें। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को आरोग्यम अस्पताल में भी जांच की। यहां व्यवस्थाएं ठीक पाई गई, कुछ छोटी कमियां मिली जिन्हें पूरा करने के निर्देश टीम ने दिए। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में 52 अस्पतालों की जांच कर नोटिस दिया गया था। एक माह बाद हो रही जांच में 2 के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, 4 में व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर एनएन मिश्रा ने बताया कि प्राइवेट नर्सिंग होम व अस्पतालों की जांच की जा रही है। जांच में लक्ष्मी और अभिज्योति हॉस्पिटल में कमियां मिली हैं। नोटिस के बाद भी सुधार नहीं किया गया, इसलिए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जी, कल एक 2 नर्सिंग होम की चेकिंग हुई थी। एक लक्ष्मी हॉस्पिटल था इधर पड़ारा के पास, ढेकहा के पास, उसमें क्या व्यवस्थाएं सही नहीं पाई गई। इलेक्ट ऑडिट भी नहीं था, फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी नहीं था, इस तरह की व्यवस्थाएं सही नहीं पा गई। उसमें गेट भी एक था, सामने पीछे तरफ गेट नहीं था, इस वजह से उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। और इसके पहले परसों जो है रतहरा में एक अभिज्योत करके था, 100-बेडेड हॉस्पिटल था। वास्तव में शासन के आदेशानुसार 20 बिस्तर उसमें ऑक्सीजन वाले होना चाहिए, ऑक्सीजन बेड नहीं थे, तथा उनके यहाँ भी इलेक्ट्रिकल ऑडिट और फायर ऑडिट न होने के कारण उनका भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अतः अभी तक करीब 8 जांच हो गई है, उसमें 2 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। सर, शासन की गाइडलाइन है कि 9 बिंदु पर जांच करनी है, यदि इनमें कमी पाई जाती है तो इन पर भी क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके लिए जो भी हैं नर्सिंग होम, जो भी अगर कमी पा जाएगी तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उसमें किसी तरह का कोई सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि शासन की गाइडलाइन स्पष्ट निर्देश आ गए हैं, इसलिए वो तो करना पड़ेगा।